दोस्तों अमरनाथ की गुफा भगवान शिव के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है, इसलिए अमरनाथ को तीर्थों का तीर्थ कहा जाता है। हर साल दुनिया भर से हजारों श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन करने आते हैं और दोस्तों इस गुफा में 10 से 12 फीट ऊंचा प्राकृतिक शिवलिंग बनता है। ऐसा माना जाता है कि इस शिवलिंग के दर्शन करने से भगवान शिव की विशेष कृपा होती है। दोस्तों सबसे आश्चर्य की बात यह है कि अमरनाथ शिवलिंग की ऊंचाई चंद्रमा के घटने बढ़ने के साथ साथ ही घटती बढ़ती रहती है। पूर्णिमा के दिन शिवलिंग अपने पूरे आकार का होता है, जबकि अमावस्या के दिन शिवलिंग का आकार कुछ छोटा हो जाता है। और यहाँ स्थित शिवलिंग पर लगातार बर्फ की बूंदें टपकती हैं, जिससे 10 से 12 फीट ऊंचा शिवलिंग निर्मित होता है। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार इसी गुफा में भगवान शिव ने माता पार्वती को अमृता होने की कहानी सुनाई थी। अमर कथा सुनाने में दिक्कत यह थी कि कोई अन्य जीव इस कहानी को न सुने, इसलिए भगवान शिव इन पर्वतमालाओं में पहुंच गए और अमरनाथ की गुफा में माता पार्वती को अमर कथा सुनाई। लेकिन माता पार्वती के साथ इस रहस्य को शुक कबूतर ने सुन लिया था और वह बाद में शुक ऋषि के रूप में अमर हो गए। दोस्तों अमरनाथ गुफा 13,500 फीट पर स्थित है। गुफा के लिए 3 किलोमीटर का मार्ग बर्फ से ढका हुआ है। इस बर्फ की नदी को पार करने के बाद अंत में अमरनाथ की गुफा को देखा जा सकता है। यह गुफा लगभग 100 फुट लंबी और 150 फुट चौड़ी है। तो दोस्तों ये थे अमरनाथ गुफा से जुड़े कुछ तथ्य, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।